हमीरपुर के प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए अंतिम मंजूरी मिल जाने पर इसका श्रेय लेने के लिए बीजेपी और कांग्रेस में होड़ मच गई है। जहां कांग्रेस के नेता मेडिकल कॉलेज को खुलवाने का पूरा श्रेय प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को देते हुए नहीं थक रहे हैं, तो वहीं अब पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि मेडिकल कॉलेज को लेकर केवल घोषणाएं करने में ही कांग्रेस माहिर रहे हैं। पूर्व विधायक कांग्रेस कुलदीप पठानिया ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए पूरा श्रेय कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू को दिया जाता है, क्योंकि यूपीए सरकार के समय में जमीन के साथ साथ पैसों का भी प्रावधान हुआ था, लेकिन बाद में केंद्र में सरकार बदलने पर मेडिकल कॉलेज का काम खटाई में चला गया था। उन्होंने सवाल उठाया है कि चंबा और नाहन में कैसे मेडिकल कॉलेज समय से पहले बन गए, लेकिन हमीरपुर का लटका रहा। लेकिन जहाँ मेडिकल कॉलेज के ऊपर जिन्होंने टिप्पणी की है वो सच्चाई पे आधारित नहीं है, उनको मान लेना चाहिए कि ये पूरा कॉलेज जो है वो माननीय प्रदेशाध्यक्ष सुक्खू सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों के साथ माननीय उस वक्त की जो यूपीए की सरकार थी उसके इसमें जो हिमाचल में तीन मेडिकल कॉलेज जैसे चंबा नान उसके बाद हमीरपुर में मिला था, और उस वक्त 190 करोड़ रुपया जो था इसके लिए जो है पैसों का प्रावधान भी था। इस बीच इनकी जो केंद्र में सरकार आ गई, केंद्र में सरकार आने के बाद एनजीटी का जो उनका जो केंद्रीय सरकार का जो उनका फंडिंग थी उसके लिए इसकी जमीन की तलाश करने के लिए, और उसको ना हो वो टाइम पे ना हो, क्या वजह है कि अगर चंबा और नान में चल पड़े तो हमीरपुर में क्यों नहीं चला। पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए पीएम मोदी के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का भी आभार जताया और कहा कि इसी माह मेडिकल कॉलेज के लिए शिलान्यास किया जाएगा। धूमल ने मेडिकल कॉलेज पर कांग्रेस की श्रेय लेने वाली बात पर कहा कि मेडिकल कॉलेज को खुलवाने के लिए पूरा श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि कांग्रेस ने तो अपने कार्यकाल में केवल कोरी घोषणाएं करके ही जनता को गुमराह किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी को और प्रदेश सरकार को कि सबके प्रयासों से मिलकर हमीरपुर का मेडिकल कॉलेज जो कई दिनों से लटका हुआ था मामला वो हल हो गया है। मुझे विश्वास है इसी महीने में दोनों सरकारों के प्रयास से इसकी नींव पत्थर रखा जाएगा और शीघ्र निर्माण का काम आरंभ होगा। इसी वर्ष इसमें एडमिशन होने की संभावना है। सही कह रहे हैं, घोषणा उन्होंने की थी लेकिन काम कुछ नहीं किया था। अब काम हुआ है, जमीन दी है, भवन तैयार किए हैं, डॉक्टर सिलेक्ट करके पोस्ट कर दिए हैं। ये सारा काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी का और कागजी घोषणा करने के लिए सारा श्रेय कांग्रेस का।